लखनऊ से निकले स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा बुधवार को BHU स्थित मालवीय भवन पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत किया। यात्रा यहां से जगतपुर डिग्री कॉलेज के लिए रवाना हुई। यात्रा का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। BHU राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक बाला लखेंद्र ने बताया कि कन्याकुमारी से स्वामी विवेकानंद केंद्र के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ केंद्र से यात्रा 12 जनवरी को आरम्भ हुई। बाराबंकी मऊ समेत विभिन्न मार्गो से होते हुए मंगलवार को काशी पहुंची। कैलाश मठ व विभिन्न जगहों पर यात्रा का स्वागत किया। बुधवार को यात्रा मालवीय भवन BHU पहुंची, जहां स्वागत किया गया। यात्रा सुंदरपुर होते हुए जगतपुर डिग्री कॉलेज के लिए रवाना होगी, वहां से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा 12 जनवरी को आरंभ हुई, वहीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को लखनऊ पहुंचकर समाप्त होगी। बता दीजिए, मेरा नाम उपेंद्र पांडे है। साथ ही विश्वविद्यालय ने मानवीय भवन के माननीय निदेशक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया है। किस प्रकार की रैली निकली है? ये आयोजन जो है सर वो मिल रहा है कन्याकुमारी में विवेकानंद स्थल की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर, अर्थात स्वर्ण जयंती के अवसर पर पूरे देश में एक विराट यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा का आयोजन लखनऊ से भी 12 जनवरी को शुरू किया गया है। वो यात्रा जो भारत यात्रा है वो चलती हुई काशी में कल जो है पहुँची थी। कल रात्रि में विश्राम करके लोग और पुनः यहाँ से इलाहाबाद के लिए प्रस्थान तो कर गए। आज 10 बजे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर उस यात्रा में संलग्न समस्त दर्शकों का और अभ्यागतों का स्वागत किया गया। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरा जो भारतवर्ष है वो सशक्त समृद्ध और शांत और स्वस्थ बने, साथ ही हम भारतीय संस्कृति और विवेकानंद के द्वारा जो विश्व मानव के कल्याण के लिए दिखाए गए जो मार्ग हैं उनके पदचिन्हों पर चल करके और इसे भव्य राष्ट्र का जो है समुन्नयन करें, यह इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा है। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पवित्र प्रांगण मालवीय भवन में यात्रा में संलग्न सभी लोगों का स्वागत किया गया और एक संक्षिप्त यहाँ संगोष्ठी भी हुई, जिसमें मुख्य वक्ता माननीय श्री रमा सिंह जी ने सभी लोगों को का उद्बोधन किया है। और विवेकानंद के द्वारा जो प्रदर्शित सिद्धांत है, वेदांत के सिद्धांत हैं और जो जीवन जीने की जो कला है उसको विशेष करके बच्चों जो भविष्यु हैं, जो भव्य भारतवर्ष के भविष्य के निर्माता हैं, उनके हृदय स्थल में यह बात आए और वो विवेकानंद के